मोहम्मद शमी जबरदस्त ड्राइव से की है शुरुआत रॉस टेलर 101 पर दो था न्यूजीलैंड जब खेल शुरू हुआ। ये बहुत करीबी मामला लगा, ग्लव से गेंद छूकर तो गई लेकिन ऋषभ पंत के दस्तानों से थोड़ा सा दूर। मोहम्मद शमी हवा में अगेन, शुभमन गिल व्हाट अ डाइव, डाइविंग टू हिज राइट, इस विकेट की तलाश कर रही थी भारत। रॉस टेलर को यहां किया आउट अराउंड द स्टंप्स। ये शॉट है, ये वाइड है, बाउंसर तो अच्छी थी पर ये वाली गेंद ये चौका देकर गई है। शॉर्ट बॉल, बाउंसर, पीछे फील्डर मौजूद है जसप्रीत बुमराह, बढ़िया कैच, बढ़िया अवेयरनेस, पीछे वो बाउंड्री रोप का भी ध्यान रखना था, अच्छी विकेट। शॉर्ट वाइड, जबरदस्त केन विलियमसन का कट, केन कंसिस्टेंट विलियमसन, मात्र एक रन दूर है अपने अर्धशतक से। कप्तान खड़े हैं सीना तान, ईशान शर्मा की गेंद और यहां पर मिली सफलता, अपने अर्धशतक को एक रन से चूक गए हैं, 6 रन। रविचंद्रन अश्विन बाहरी किनारा, अजिंक्य रहाणे बोल्ड, अश्विन कॉट रहाणे, इट्स अ फैंटास्टिक लव स्टोरी। नील वैगनर भाई हल्की सी थी, 249 पर 9। रविंद्र जाडेजा, मिल गई है सफलता, इसी सफलता का इंतजार कर रहे थे, पहली विकेट जाडेजा के खाते में, 249 पे सिमटी है न्यूजीलैंड की पारी। टॉस जीता था, निमंत्रण दिया था भारत को, 200 समेट दिया, जेमिसन ने ली थी 5 विकेट। ये अच्छा शॉट है रोहित शर्मा का, धीमी शुरुआत जरूर थी पर छठे ओवर की आखिरी गेंद, बढ़िया चौका, पैरों पर ये गेंद है और इसको टहला दिया है। काइल जेमिसन वहां मौजूद जरूर है पर गेंद तक पहुंचे नहीं। एक और चौका रोहित के खाते में, जेम्स साउदी, ये अंदर आने वाली गेंद, ये करीबी मामला, ये आउट करने वाली है गेंद शुभमन गिल, एक और इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में तब्दील नहीं कर पाए। चेतेश्वर चेते हुए है पुजारा, आगे की गेंद को चौके में तब्दील करना आता है इनको। ट्रेंट बोल्ट राउंड द स्टंप्स गए थे, टिम साउदी ने जाने दिया इस गेंद को, एरर ऑफ जजमेंट, बड़ी अपील, आउट करार दिया है अंपायर ने। टिम साउदी को मिली है दूसरी सफलता, रोहित शर्मा की एक अच्छी पारी एक स्टार्ट के बाद हुई समाप्त। 32 रन से भारत अभी भी आगे है, कल होगा 98 ओवर का खेल, आखिरी दिन, द रिजर्व डे, एंड ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल।